एक टाइम था जब हीरो इलेक्ट्रिक इंडिया के टू व्हीकल मार्केट की शान था। एक कंपनी जो कभी इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मार्केट का बादशाह हुआ करता था, लेकिन आज उसकी हालत एक मिस्ट्री बन गई है। क्या आपको पता है कि हीरो इलेक्ट्रिक एक टाइम पे 27 मार्केट शेयर के साथ टॉप पे बैठा हुआ था, लेकिन आज सिर्फ 1% पे स्ट्रगल कर रहा है। हाँ बिल्कुल सच। तो आज हम इस रोलर कोस्टर जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, अप्स एंड डाउन और सब कुछ जो इसके बीच में हुआ। एक समय था जब हीरो इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रोड पे राज करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अपने सिंहासन से गिर गई। इस वीडियो में हम इस पूरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पूरे सीन को समझेंगे। शुरू से लेकर अब तक मार्केट का लैंडस्केप, सेल्स का खेल, कंपटीशन का धमाका, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट और कंपनी के फाइनेंशियल का सच, सब कुछ डिटेल में डाटा के साथ। पहले तो देखते हैं कि कैसे हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी शुरुआत की और कैसे वो मार्केट का लीडर बना 1 लाख यूनिट बेचकर 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करके। लेकिन फिर आया ड्रामेटिक टर्न। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सेल्स गिरकर सिर्फ 12,094 यूनिट रह गई। ये ड्रॉप क्यों आया, कंपटीशन ने कैसे ओवरटेक किया और कैसे ओला इलेक्ट्रिक 35% मार्केट शेयर के साथ बॉस बन गई। TVS, एथर, बजाज ये सब आगे निकल गए, हीरो इलेक्ट्रिक कहाँ रह गया? और ये सब सिर्फ शुरुआत है। हम डाइविंग करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में, कैसे सब्सिडी इशू और ऑपरेशनल चैलेंज ने उसकी कमर तोड़ दी। एक टाइम पे सब्सिडी रिसीवेबल 62 करोड़ से बढ़कर 516 करोड़ तक पहुंच गया। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं था। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का चैप्टर्स, कुछ ऐसे मूव जो गलत साबित हुए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के ड्रीम्स जो पूरे नहीं हुए और रेगुलेटरी के झमेले ने कैसे गेम को बदल दिया। लेकिन रुको, ये कहानी ही खत्म नहीं होती, फ्यूचर के आउटलुक भी डिस्कस करेंगे। क्या हीरो इलेक्ट्रिक अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस ला सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का क्या रोल होगा, ये सब हम स्टैट्स और एनालिस्ट के साथ समझेंगे। जैसे मार्केट का साइज जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 944,126 यूनिट तक पहुंच गया और प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक 10 मिलियन एनुअल सेल्स का टारगेट है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग राइड के लिए। ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और इनसाइट का परफेक्ट मिक्स। हीरो की इस राइज एंड फॉल की कहानी हम नंबर डाटा के साथ समझेंगे। तो शुरू करें। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो कभी इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मार्केट का राजा हुआ करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक मार्केट लीडर से लेकर स्ट्रगल तक का सफर। पिक्चर यह है कि 10 साल पहले जब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, तब हीरो इलेक्ट्रिक ने मार्केट में अपना झंडा गाड़ दिया था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं कैसे एक पायनियर कंपनी का ग्राफ सडनली नीचे गिर गया, जबकि ओवरऑल ईवी मार्केट इंडिया में बूम कर रहा है। ये स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल की है। देखिए नंबर का खेल। फिस्कल ईयर 21-22 में हीरो इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर प्योर 27% था, मतलब हर 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर में से 27 हीरो के इलेक्ट्रिक थे। नेक्स्ट ईयर यानी कि 22-23 में ये गिरकर 12% हो गया और अब लेटेस्ट डाटा है 23-24 का, सिर्फ और सिर्फ 1%। सोचो सिर्फ 3 साल में 27% से 1% तक का फॉल, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिस्कल ईयर 22-23 में हीरो इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में जिसमें उन्होंने 1 लाख से ज्यादा की यूनिट बेची थी। उनका टर्नओवर क्रॉस कर गया 1,000 करोड़ का मार्क और ये पिछले साल से 20% ज्यादा था। CEO सोहिंदर गिल ने सक्सेस का क्रेडिट दिया उनके 5 वेरिएंट को, फोटोन, ऑप्टिमा, NYX, ED और अर्टिरा, हर कस्टमर सेगमेंट के लिए एक स्पेशल मॉडल। लेकिन फिर तूफान आ गया। फिस्कल ईयर 23-24 में पूरी कंपनी की सेल गिर गई, सिर्फ 12,094 यूनिट। मार्केट का शेयर 1% पे रह गया। एक लीडर जो कभी 27% पे होल्ड करता था, अब सिर्फ 1% पे आ गया। मंथली ब्रेकडाउन और भी दर्दनाक कहानी बताते हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 3,333 यूनिट बेचे, लेकिन मार्च 2024 में ये नंबर आकर सिर्फ 320 रह गया। हाँ सिर्फ 320। ये सब तब हुआ जब कंपनी ने बड़े प्लान बनाए थे एक्सपेंशन के लिए। लुधियाना में न्यू फैक्ट्री, महिंद्रा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप, मध्य प्रदेश में शेयर फैसिलिटी, इन सबसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 5 लाख यूनिट होने वाली थी। लेकिन अब ये प्लान कितने रियलिस्टिक हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखते हैं पूरे इंडिया के ईवी मार्केट का सीन क्या है। 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने टोटल व्हीकल सेल्स में अराउंड 5% का हिस्सा कवर किया है। ग्लोबल लीडर से कंपेयर करें तो ये नंबर छोटा है, लेकिन ग्रोथ इंप्रेसिव है। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ सबसे तेजी से देखी गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, ये अफोर्डेबल है और डेली अर्बन कम्युनिटी के लिए परफेक्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मार्केट में कौन लीड कर रहा है। फिस्कल ईयर 23-24 में ओला इलेक्ट्रिक बन गया नंबर वन प्लेयर विद 35% मार्केट शेयर। उसके बाद आते हैं TVS 19%, एथर 12% और बजाज 11%। ये न्यू प्लेयर्स ने ट्रेडिशनल कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। टोटल मार्केट साइज पहुंच गया है 944,126 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। पैसेंजर व्हीकल में अडॉप्शन स्लो है।
2022 में सिर्फ 1.3% कार्स इलेक्ट्रिक थी, यानी कि 3.8 मिलियन कार्स में सिर्फ 49,800 ईवीज। लेकिन फ्यूचर ब्राइट लगता है इंडियन ईवी मार्केट जो 2023 में $2 बिलियन का था, वो 2025 तक बढ़कर $7.09 बिलियन हो गया है। और कुछ एक्सपर्ट तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक एनुअल सेल 10 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक रोड पे 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो। ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वर्ल्ड वाइड 2022 में 10% पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक थे। ये सिर्फ 5 साल पहले की कंपेरिजन में 10 गुना ज्यादा है। लीडिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्वे टॉप पे है, वहाँ पे 2022 में 80% न्यू कार्स इलेक्ट्रिक थी। फिर आते हैं आइसलैंड 41%, स्वीडन 32%, नेदरलैंड 24%, चाइना 22%, इवन यूरोप 12%, यूनाइटेड स्टेट 6%। इन सब की ईवी एक्सेप्टेंस इंडिया से ज्यादा है। ग्लोबल ईवी मार्केट का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 65% लास्ट 5 इयर्स में। क्लाइमेट एक्शन टारगेट के हिसाब से 2030 तक 75-95% पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना चाहते हैं तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब पूरे मार्केट में ग्रोथ हो रही है तो हीरो इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर क्यों गिर गया? ये एक पैराडॉक्स है। फर्स्ट रीजन है कॉम्पिटिशन का बढ़ना। टीवीएस और बजाज जैसे ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव जायंट्स अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आ गए हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है, एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क है और सब्सटेंशियल R&D रिसोर्सेस। सेकंड, न्यू स्पेशलाइज्ड ईवी स्टार्टअप जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है इनोवेशन प्रोडक्ट और एग्रेसिव मार्केटिंग से। ओला इलेक्ट्रिक ने फिस्कल ईयर 23-24 में 3,26,433 यूनिट बेचकर 35% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। टेक्नोलॉजी में भी गैप दिख रहा है। ओला S1 Pro डबल ऑफर करता है कंपेयर टू हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा से। ओला S1 ऑफर करता है 176 किलोमीटर पर चार्ज, वहीं पे हीरो ऑप्टिमा ऑफर करता है 89 किलोमीटर पर चार्ज। परफॉर्मेंस में भी फर्क है। ओला S1 Pro का मोटर 5.5 किलोवाट का है जबकि ऑप्टिमा का 1.2 किलोवाट का। और टॉप स्पीड कंपेयर करें तो ओला का है 117 किलोमीटर पर आर और वहीं पे हीरो का है 48 किलोमीटर पर आर। ओला S1 Pro में एडवांस फीचर्स हैं जो हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा में नहीं मिलते। क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मल्टीपल राइडिंग मोड। मोटर टाइप भी बेटर है, मिड ड्राइव IPM वर्सेस BLDC। ओला के ब्रेकिंग सिस्टम भी सुपीरियर है। कंज्यूमर प्रेफरेंस में रेंज एंजाइटी एक बड़ा फैक्टर है। ओला का लॉन्गर रेंज डायरेक्ट एडवांटेज देता है। प्राइस में ओला प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है, 1,15,000 रुपए हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा 83,300। बट फीचर्स और परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स के लिए ये प्राइस गैप जस्टिफाई लगता है। इंडिया के डिफरेंट रीजन में ईवी अडॉप्शन अलग अलग रेट से हो रहा है। साउथर्न रीजन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना सबसे आगे हैं। थैंक्स टू रोबस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स, कर्नाटका का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी मैन्युफैक्चरर्स को और कंज्यूमर को दोनों को इंसेंटिवाइज करता है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब होने के कारण अर्बन सेंटर लाइक मुंबई, पुणे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। एयर क्वालिटी और कंजेशन कंसर्न से लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में सिनेरियो थोड़ा चैलेंजिंग है। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अडॉप्शन को। गवर्नमेंट सपोर्ट्स अर्बन डेंसिटी, ट्रैवल पैटर्न्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी और कंज्यूमर अवेयरनेस। हालांकि हीरो इलेक्ट्रिक ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया है, लेकिन क्या वो फ्यूचर में रिकवर कर पाएगा? गवर्नमेंट पॉलिसी और इंसेंटिव से मार्केट सेफ होता रहेगा। FAME फेम स्कीम ने सब्सिडीज प्रोवाइड की बायर्स को और इंसेंटिव प्रोवाइड किया मैन्युफैक्चरर्स को। और प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का मेन एम है ईवी व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। हालांकि PLI स्कीम पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन में या वीडियो क्लास में मिल जाएगा। तो क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जिसकी वजह से हीरो इलेक्ट्रिक वापस आ जाए, अभी थोड़ा मुश्किल है। ओवरऑल मार्केट एक्सपेंड हो सकता है कंपनीज लाइक हीरो इलेक्ट्रिक के लिए। अभी तक हमने देखा कैसे हीरो इलेक्ट्रिक मार्केट में टॉप पोजीशन पे स्लाइड करके 1% मार्केट शेयर तक आ गया। अब हम देखेंगे असली कहानी, पैसे की कहानी। दिसंबर 2024 में हीरो इलेक्ट्रिक ऑफिशियली बैंकरप्सी में चला गया, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। फाइनेंशियल नंबर्स कब से डेंजर साइन दिखा रहे थे। क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस ने कंपनी को बर्बाद कर दिया? ये है हीरो इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल डाउनफॉल की कहानी। फाइनेंशियल नंबर्स, रेशो, ऑपरेशनल मैट्रिक्स हमारे साथ बहुत कुछ बोलते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल बॉल की तरह। आइए देखते हैं कैसे इन नंबर्स ने हीरो इलेक्ट्रिक की डूम की प्रिडिक्शन कर दी थी लॉन्ग बिफोर बैंकरप्सी एक्चुअली हैपन। फाइनेंशियल हेल्थ की पहली निशानी होती है लिक्विडिटी, यानी कि कितना कैश है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एक्सपेंस के लिए। जुलाई 2023 में हीरो इलेक्ट्रिक की लिक्विडिटी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, जबकि फ्री कैश और कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 3.9 करोड़ थे, जबकि टर्म डेट रीपेमेंट ड्यू थे 56 करोड़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सोचो सिर्फ 3.9 करोड़ कैश है और 56 करोड़ चुकाना है, ये एक डिजास्टर रिसिप्ट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि हेल्दी कैश रेशो होना चाहिए एटलीस्ट 2.0, लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक का रेशो काफी नीचे था। केयर रेटिंग ने कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को कैटेगराइज
किया एज पुअर और रीजन में कहा कंटिन्यू ऑपरेटिंग लॉसेस। लेकिन सबसे शॉकिंग बात थी सब्सिडी रिसीवल की ग्रोथ। मार्च 31, 2022 में सब्सिडी रिसीवल थे 62 करोड़ के और सिर्फ एक साल बाद मार्च 31, 2023 को ये बढ़कर 516 तक पहुंच गया, मतलब 8 गुना ग्रोथ सिर्फ एक साल में। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये एक स्टैटिकल अनोमली थी, एक क्लियर वार्निंग साइन। ये सब हुआ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने हीरो इलेक्ट्रिक को फेम स्कीम से बाहर कर दिया था। जो सब्सिडीज कंपनी ने ऑलरेडी कंज्यूमर्स को पास कर दिया था उसका रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट ने रोक दिया। इससे कंपनी का ऑपरेटिव कैश फ्लो क्रिटिकली कंस्ट्रेंट हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, अगस्त 2023 में हीरो इलेक्ट्रिक की क्रेडिट रेटिंग गिर गई क्रिसिल बी और क्रिसिल ए फोर से सीधा क्रिसिल डी तक। डी यानी कि डिफॉल्ट, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये एक टर्मिनल डायग्नोसिस जैसा है। रेटिंग एजेंसी ने स्पेसिफिकली कहा रीजन है डिले इन सर्विस ऑफ डेट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पुअर लिक्विडिटी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। सरप्राइजिंगली हीरो इलेक्ट्रिक के ग्रोस मार्जिन एक्चुअली डिसेंट थे 18% to 20% की रेंज में। लेकिन प्रॉब्लम थी कि कंपनी कभी भी इन मार्जिन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कंपोनेंट कॉस्ट है लगभग 50% ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई थे जिससे ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटीज और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटीज के बीच एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया। नंबर देखिए PBIDT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लीज डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, लॉसेस बढ़ गए 27.37 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 से 81.85 करोड़ इन जस्ट 9 मंथ। ये लॉसेस का ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाना वो भी इतने से शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ये अनदर स्टैटिकल अनोमली थी। नेट लॉसेस की बात करें तो वो 26 करोड़ 2022 से बढ़कर 70 करोड़ हो गया 2023 में। ये है 169% इंक्रीज इन लॉसेस ईयर ओवर ईयर डिस्पाइट मल्टीपल राउंड ऑफ फंडिंग एंड प्लान एक्सपेंशन। कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज था जो कि फिक्स नहीं हो पाया। अब बात करेंगे डेट की, यानी ये कितना कर्ज था कंपनी पर। हीरो इलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल डेट बर्डन डबल से भी ज्यादा हो गया, 72 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ तक डेट बढ़ रहा था और साथ में ऑपरेशन लॉसेस भी बढ़ रहे थे। ये कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल डिजास्टर के लिए परफेक्ट था। दिसंबर 2024 तक कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ गई। टोटल एडमिटेड क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर्स 301 करोड़ से ज्यादा हो गया और जो पर्टिकुलर डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को ट्रिगर किया वो था मेट्रो टायर्स का 1.85 करोड़ का पेमेंट। ये दिखाता है कि जब फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो तो छोटी सी गलती भी बैंकरप्सी की तरफ ले जा सकती है। कंपैरिजन के लिए देखिए हीरो मोटोकॉर्प को, उन्होंने कंसिस्टेंटली लो डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन किया है 0.02 मार्च 2021 से मार्च 2024 तक। ये बताता है कि सेम इंडस्ट्रीज में डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कितने डिफरेंट आउटकम्स ला सकते हैं। फाइनेंशियल डेटा में कुछ ऐसे पैटर्न थे जो साफ साफ वार्निंग दे रहे थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग था सब्सिडी रिसीवल्स में 8 गुना इंक्रीज सिर्फ एक साल में। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ गई जो वो मैनेज नहीं कर सकती थी। दूसरा रेड फ्लैग था इक्विटी इन्फ्यूजन में गैप। एग्रीमेंट के हिसाब से ओक्स और गिल को जून 2023 तक 160 करोड़ रुपए देना था लेकिन जुलाई 31 2023 तक सिर्फ 44.5 करोड़ ही आए थे, यानी कि 28% से भी कम। इससे पता चलता है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर पे डाउट था। ऑपरेटिंग लॉसेस का बहुत तेजी से बढ़ना भी एक वार्निंग साइन था। PBIDT लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के फर्स्ट 9 मंथ के बीच में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए थे। इतनी तेजी से लॉसेस का बढ़ना नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हालात तो और खराब हो गए जब कंपनी अपने सब्सिडी रिसीवल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने सिर्फ फ्यूचर सब्सिडी पेमेंट नहीं रोका बल्कि नोटिस ही भेजा 133 करोड़ सब्सिडी वापस लेने के लिए जो पहले ही दे चुके थे। सोचो जो पैसे आपने कस्टमर्स को ऑलरेडी वापस दे दिए वो पैसे आपको वापस करने पड़ रहे हैं। कंपनी के स्पोक पर्सन ने सिचुएशन को एकदम सही से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा हमने 570 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी कस्टमर को दे दी थी गवर्नमेंट के बताए गए प्रोसेस से जो हमें ऑलमोस्ट 24 महीने से रीइंबर्स नहीं हुई। 24 महीने यानी कि 2 साल तक सब्सिडी वापस नहीं मिली, ये किसी भी कंपनी के लिए बर्दाश्त से बाहर है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कंपनी का जो सेल्स था वो भी गिरने लगा और ये डिक्लाइन तब हुआ जब कंपनी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था। 25 स्टेट्स में 500 डीलर्स और 250 सब डीलर्स, इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद भी सेल्स का कम होना दिखाता है कि प्रोडक्ट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी। हीरो इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा नुकसान था सप्लाई चेन प्रॉब्लम जिससे प्रोडक्शन कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाती थी। अप्रैल 2022 में कंपनी ने 0 डिस्पैच रिपोर्ट किए एक्सट्रीम चिप शॉर्टेज और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से। इस कंप्लीट प्रोडक्शन स्टॉपेज ने कस्टमर वेटिंग टाइम 60 दिन से ज्यादा कर दिया और कई डीलर्स के पास दिखाने के लिए भी कोई स्कूटर नहीं बचा। इसके बारे में कंपनी के स्पोक पर्सन ने बताया कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत हुई है। इन सप्लाई प्रॉब्लम्स का असर सिर्फ टेम्पररी सेल्स पर नहीं पड़ा कंपनी की मार्केट पोजीशन को भी परमानेंट नुकसान हुआ। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि मंथली सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 लाख यूनिट से घटकर बैंकरप्सी से पहले 0 हो गई थी। अप्रैल 2022 में सेमीकंडक्टर स्टोरेज एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद कंपनी कभी भी अपना मोमेंटम वापस नहीं ला पाई। सबसे बड़ा झटका था रेगुलेटरी कंप्लायंस फेलियर। हीरो इलेक्ट्रिक उन 7 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में से एक था जिसे सितंबर 2022 में फेम 2 सब्सिडी प्रोग्राम में से बैन कर दिया गया था क्योंकि वो लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इस एक्शन के बाद कंपनी अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पाई। इस ऑपरेशनल रिकवर का फाइनेंशियल इंपैक्ट जबरदस्त था। कंपनी ने इसके बाद 2000 करोड़ से ज्यादा का लॉस रिपोर्ट किया।
जब कंपनी एक्सपेंशन का प्लान प्रमोट कर रही थी जिसमें बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उसी टाइम ऑपरेटिंग लॉसेस अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का लॉस 27.37 था, जो कि 2023 में बढ़कर 81.85 करोड़ हो गया। हीरो इलेक्ट्रिक का गिना सिर्फ एक कंपनी की फेलियर नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि कैसे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जल्दी से फाइनेंशियल डिजास्टर में बदल सकते हैं। आज हीरो इलेक्ट्रिक इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग में है। फाइनल रिजोल्यूशन प्लान 13 मई 2025 तक सबमिट होने हैं। ये स्टोरी फाइनेंशियल नंबर्स की पावर दिखाती है। अर्ली वार्निंग सिग्नल जो बताते हैं कि कोई कंपनी ट्रबल में है एक्चुअल बैंक करप्शन से पहले। अब हम देखेंगे कैसे एक टॉप कंपनी बिल्कुल टूट सकती है। यह है एक असली कहानी गलत डिसीजन, बड़ी गलतियां और फ्यूचर के चांसेस की, जो हमें सिखाएगी कि सक्सेस कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। 2022 में हीरो इलेक्ट्रिक की कहानी ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़कर 841 तक पहुंच गई थी। सोचो 2021 में सिर्फ 303 करोड़ से एक साल में ही इतनी जबरदस्त ग्रोथ। इस कामयाबी ने हीरो इलेक्ट्रिक को मार्केट का लीडर बना दिया। 2022 में वो ओकिनावा 822 करोड़, एम्पियर 522 करोड़ और एथेनर्जी 408 करोड़ से आगे निकल गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर 841 करोड़ कमा लिए, पिछले साल से 302 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल। ये था असली हीरो मोमेंट। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, जितना पैसा आ रहा था उससे भी ज्यादा जा रहा था। कंपनी का लॉस 43% से बढ़कर 30 करोड़ हो गया, पिछले साल से 21 करोड़ से ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे हीरो इलेक्ट्रिक एक हाथ पैसा कमा रहा है और दूसरे हाथ पैसा खो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गलतियां हो रही थी। जुलाई 2021 हीरो इलेक्ट्रिक को 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट से, ओकास के साथ। कंपनी ने बोला कि ये पैसा फैक्ट्री को बढ़ाने, मार्केट में स्ट्रांग होने और न्यू टेक्नोलॉजी को लाने के लिए यूज होगा। लुधियाना में नई फैक्ट्री बनाई गई और प्रीतमपुर मध्य प्रदेश में महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की गई। रिजल्ट, कंपनी 100,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना रही थी 2023 में। पेपर पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे। लेकिन सच तो ये था कि जितनी जल्दी पैसा आ रहा था उससे ज्यादा जल्दी खर्चे बढ़ रहे थे। 2022 में टोटल खर्चा ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़कर 893 करोड़ हो गया था, मतलब नई फैक्ट्री से कोई एक्सपेक्टेड फायदा नहीं मिल रहा था। जब कंपटीशन बढ़ रहा था तब हीरो इलेक्ट्रिक ने एक नया प्लान बनाया, महंगे मार्केट में एंट्री। अगस्त 2023 में A2B ब्रांड लॉन्च किया गया। A2B ब्रांड के जरिए महंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर्स और न्यू मॉडल्स लॉन्च करने थे। नई टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग बैटरी, बेहतर परफॉर्मेंस और ऐसी दिखावट जो अमीर लोगों को पसंद आए। लेकिन टाइमिंग देखो, ये प्लान तब बनाया गया जब कंपनी की सेल्स ऑलरेडी गिर रही थी। सेल्स 2023 के 100,000 स्कूटर से घटकर सिर्फ 11,500 रह गई थी। मतलब A2B एक स्मार्ट मूव नहीं बल्कि डेस्परेट कोशिश थी जो शायद बहुत देर से लॉन्च की गई। अजीब बात तो यह है कि जब हीरो इलेक्ट्रिक गिर रही थी तब पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में 34.42% का ग्रोथ हो रहा था 2023-24 के थर्ड क्वार्टर में। मतलब हीरो के स्कूटर्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे डिस्पाइट महंगे सेगमेंट पे फोकस करने की स्ट्रेटेजी के बावजूद भी। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरो इलेक्ट्रिक और कुछ दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनीज पर इल्जाम लगे कि उन्होंने गवर्नमेंट की फेम 2 स्कीम के अंदर गलत तरीके से सब्सिडीज ली गई। मतलब जितने लोकल पार्ट्स यूज करने थे उतने नहीं किए गए, फिर भी सरकारी पैसे लिए गए और इस गलती ने कंपनी के फाइनेंसेस को बर्बाद कर दिया। गवर्नमेंट ने 469 करोड़ रुपए वापस मांगे इन कंपनीज से। हीरो इलेक्ट्रिक को अकेले 133 करोड़ प्लस इंटरेस्ट देने थे और साथ ही 556 करोड़ की बाकी सब्सिडीज की लड़ाई चल रही थी कोर्ट में। नतीजा, कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई और आखिरकार दिसंबर 2024 में सिर्फ 1.85 करोड़ ना चुका पाने की वजह से कंपनी दिवालिया हो गई। कुल कर्ज 301.23 करोड़ से ज्यादा है, कितना बड़ा डाउनफॉल है ये। हीरो इलेक्ट्रिक का दिवालिया होना एक मिसाल है कि कैसे बाहर के अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स टॉप कंपनी को भी बर्बाद कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स में चेंज है, शॉक ने कंपनी को खत्म कर दिया। मेन लेंडर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक थे। टोटल 82 करोड़ का क्लेम था। फ्यूचर में स्पेशली सब्सिडी वाले सेक्टर में हमें ऐसे प्रिडिक्शन मॉडल चाहिए होंगे जिनमें ये सब हो। पहला, कितना बिजनेस गवर्नमेंट स्कीम पे डिपेंड करता है। दूसरा, कंपनी का रूल्स फॉलो करने का पुराना रिकॉर्ड कैसा है। तीसरा, सब्सिडी पेमेंट्स कितने भरोसे के लायक है और टाइम पे आते हैं क्या। चौथा और लास्ट वन, इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट्स के रूल्स कितने स्टेबल हैं। ईवी कंपनीज के लिए कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हो सकती है जो बैंक करप्शन के रिस्क को कम कर सकती है। एडवांस स्टैटिकल मॉडल जैसे SARIMA लगभग 6.769% एरर के रेट के साथ मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मोंटे कार्लो स्टिमुलेशंस भी अलग अलग सिनेरियो को चेक कर सकते हैं। रीसेंट दिवालिया होने के बावजूद भी ओवरऑल ईवी मार्केट का साइज 1.46 ट्रिलियन 2025 से बढ़कर 2.73 ट्रिलियन 2029 तक होने की संभावना है। 16.90 हर साल की ग्रोथ रेट, ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट नए मौके क्रिएट करती है वापसी के लिए। हीरो इलेक्ट्रिक की कहानी हमें सिखा रही है कि मार्केट लीडर बनना सक्सेस की गारंटी नहीं है। बाहर के झटके, खासकर गवर्नमेंट रूल्स में बदलाव, फाइनेंशियल कोलैप्स ला सकते हैं शुरुआती सक्सेस के बावजूद भी। एडवांस प्रिडिक्शन, स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बैंकरप्सी के रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी हीरो इलेक्ट्रिक की कहानी, एक कंपनी जो कभी मार्केट की लीडर थी लेकिन आज दिवालिया है। चैप्टर 1 में हमने कंपनी की शुरुआत देखी, चैप्टर 2 में हमने फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल चैलेंजेस देखे और चैप्टर 3 में हमने कंपनी का डाउनफॉल देखा। इस जर्नी से हम सबको सीख लेनी चाहिए, खास करके सिर्फ कामयाबी काफी नहीं है, एफिशिएंट ऑपरेशन, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो
फॉलो करना और मजबूत बिजनेस मॉडल उतना ही जरूरी है। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो कभी मिस ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इस वीडियो को जितने भी रिसर्च लिंक है वो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड किया है। जो लेफ्ट साइड वाली वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे US प्लान कर रहा है चाइना का AI सिस्टम क्रैश करने का, और राइट साइड पर है बिहार इकोनॉमिक केस स्टडी जिसमें हमने बात की है कि कैसे एक स्टेट अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।